नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य जहां पर आए दिन सियासी मामले सामने आते रहते। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, तो कहीं दूसरी पार्टी किसी अन्य पार्टी पर तीखे प्रहार करती रहती है। इसी बीच अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ है वो बयान, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए खास योजना तैयार की। 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अपनी इस रणनीति का खुलासा किया। एक टीवी चैनल पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में पीडीए फॉर्मूले पर काम करेंगे और देश के सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एनडीए को धूल चटा देंगे। अखिलेश यादव की पीडीएफ फार्मूला पे पिछले वर्ग दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स आते। प्रदेश में कमजोर होती मायावती की बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को साधने का प्रयास सपा के लिए थोड़ा नया है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात नहीं है। आमतौर पर माया समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव के लिए जाने जाने वाली सपा अब गैर यादव ओबीसी और दलितों के पैट बैठाने की भी कोशिश कर रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में उससे अल्पसंख्यक समुदाय का भरपूर समर्थन मिला, लेकिन बीएसपी से छिटकर दलित वोटों बीजेपी की खातों में चला गया। अखिलेश यादव इस वोट का दावा करना चाहते हैं। सुना आपने, तो इस तरह की तैयारी बना रहे हैं अखिलेश यादव। तो क्या इस बार 80 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे अखिलेश यादव? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।